हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। तो ये शाम का टाइम है और इधर बन रहा है डिनर, मतलब डिनर की तैयारी हो रही है। तो डिनर में आज है मटर पनीर और पूड़ी। तो ही मैं मटर, फ्रोजन मटर है ना, उसी को मैं वाश कर रही थी और इधर पनीर को मैंने वाश करके कट कर लिया है। और इधर मेरे जो है छोटे वाले देवर हैं, तो बोले कि मैं जो है मटर पनीर की सब्ज़ी बना रहा हूँ, मैं बनाऊँगा। तो बैठ के वही जो है गैस के पास जो है बना रहे हैं, तो वही देख रहे हैं। लाइट थोड़ा कम है ना, तो वही ऊपर देख रहे थे। तो ये देखिए मसाला वगैरह अच्छे से मतलब भून रहे हैं अच्छे से, कितना अच्छा कलर आया है। और ये ना बहुत अच्छा मतलब सब्ज़ी वगैरह बहुत अच्छा बनाते हैं, इसलिए आज यही बना रहे हैं मटर पनीर की सब्ज़ी। और मसाला वगैरह अच्छे से भुन गया था, तो इसमें कटे हुए टमाटर थोड़ा सा डाल दिए हैं और इसमें नमक भी डाल दिए हैं ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए, थोड़ा फास्ट गल जाए टमाटर। तो बस इधर जो है खाने पीने की तैयारी हो रही है। और आज है हमारे आरू बाबा का बर्थडे, 26 नवंबर जो उनका बर्थडे है आज, तो वही सब तैयारी चल रही है। और हम लोग सोचे थे ना घर आएंगे तो अच्छे से मतलब धूमधाम से खूब मनाएंगे आरू का बर्थडे, फैमिली के साथ जो अच्छे से मनाएंगे। बट वही है ना, मतलब जो सोचो वो नहीं होता है। तो हम लोग का भी जो प्लान धरा का धरा रह गया, क्योंकि हमारे बगल में कोरोना का मतलब मरीज है, कोरोना पॉजिटिव है। तो मतलब मेरे फैमिली मेंबर ही हैं, थोड़ा मतलब बगल में ही हैं, तो इसलिए ज़्यादा कोई मतलब ज़्यादा हम लोग ज़्यादा तामझाम नहीं कर रहे हैं। बहुत सिंपल तरीके से मतलब फैमिली के साथ ही अंदर ही हम लोग मना रहे हैं। किसी को भी कोई भी गेस्ट वगैरह हमारे यहाँ नहीं आया, यहाँ तक कि मोहल्ले के कोई भी बच्चे, आस पड़ोस के बच्चे भी कोई भी नहीं आए। बस इसी सब वजह से थोड़ा डर लगता है ना, तो इसीलिए नहीं, हम लोग बस अपने फैमिली के साथ ही घर में मना रहे हैं सादा सिंपल तरीके से। तो मैं भी वहाँ से मतलब सोच के यही आई थी कि मैं फैमिली के साथ चल रही हूँ, आरू का बर्थडे पड़ेगा और अच्छे से हम लोग खूब धूमधाम से आरू का बर्थडे मनाएंगे। लेकिन नहीं हुआ था ना, जो आगे सोचो वो नहीं होता है। तो हम लोग का भी वही हुआ जो हम लोग का आगे का प्लान था, कुछ भी नहीं हुआ। तो सोचा चलो अच्छे से मतलब फैमिली के साथ ही, किसी को नहीं बुलाएंगे तो फैमिली के साथ ही सादा सिंपल तरीके से बर्थडे वगैरह मना लेते हैं आरू का। तो बस इधर खाने पीने की तैयारी चल रही है और ज़्यादा कुछ खाने में भी बस नहीं है, बस दो ही आइटम है, पूड़ी और पनीर। और इधर बस वैसे हल्का फुल्का जो है बैलून का डेकोरेशन चल रहा है रूम में। और कोई भी बच्चा भी नहीं आया ना, तो अच्छा भी नहीं लगता, बच्चों के बिना सूना लगता है ना बर्थडे पार्टी। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, किसी को भी हम लोग नहीं बुलाए हैं क्योंकि बगल में ही है। तो और मेरे खुद मतलब घर में ही मेरी देवरानी भी नहीं है, ननद भी नहीं है, तो जो फैमिली मेंबर ही नहीं है तो बाहर के लोग क्या आएंगे। तो वही बस छोटा मोटा वही बैलून का डेकोरेशन चल रहा है, ये लोग लगा रहे हैं, मेरे दोनों देवर हैं, हस्बैंड है, तीनों लोग मिलके थोड़ा सा वही सब लगा रहे हैं। और ये देखिए आरू मतलब आरू का नाम प्रबल शर्मा है प्रबल लिखा हुआ है। हम लोग तो आरू प्यार से कह के बुलाते हैं, उसका निक नेम है आरू, बट उसका रियल नेम प्रबल ही है। तो बस ये थोड़ा मतलब हो गया है, हल्का फुल्का जो करना था सब कुछ हो गया है ये देखिए। और बस केवल हम ही लोग हैं, मतलब फैमिली ही केवल है, अंदर अंदर ही मना रहे हैं हम लोग, बाहर भी नहीं मना रहे हैं। और इधर मेरी सासू माँ आरू को टीका लगा रही हैं भगवान जी के मंदिर के पास। ये देखिए आरू भी एकदम पूरी तरह से रेडी हो गया है और टीका वगैरह लगवा के और केक कट करने जा रहा है। तो ये भगवान जी का मंदिर है। और उसके बाद फिर सारी तैयारी हो चुकी है, जो थोड़ा बहुत करना था हो चुका है, बस केक वगैरह कट कर लेगा। लाइट भी नहीं थी, लाइट अभी आई है तो थोड़ा लेट भी हो गया था, 9 बजे का टाइम हो गया था। तो
मेरे पास सारी तैयारी हो चुकी है, केक कट करना है। और अरुणा बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि वो काफ़ी दिनों से अपने जो है बर्थडे का वेट कर रहा था, और सुबह से ही ना बहुत ज़्यादा खुश था कि आज मेरा बर्थडे है, और सबको घूम घूम के बता रहा था कि आज मेरा बर्थडे है। तो वही बस जो है कैंडल वगैरह जला रहे हैं, आरू के दोनों अंकल हैं, और बस आरू केक कट करेगा। तो आरू और अमृत दोनों खड़े हैं, और अपने भैया को भी, अमृत को भी खींच रहा था कि भैया आप भी मेरे साथ खड़े हो जाओ। आरू हाथ पकड़ के जो है अमृत को भी अपने पास खड़ा कर लिया। तो ये मेरे सासू माँ हैं और ये ससुर जी हैं, दोनों लोग बगल में खड़े हैं। तो बस केक कट कर लेते हैं। और आरू का ना आज 3 ईयर्स कंप्लीट हो गया, तो आज आरू का 3 ईयर्स भी कंप्लीट हो गया है। बस इधर केक वगैरह कट हो गया और आरू को सब लोग खिला रहे हैं। आरू के दोनों अंकल हैं और आरू के फेस में भी खूब लगा दिए हैं। और इधर मेरे ससुर जी को खिला रहे हैं, मेरे दोनों देवर, इधर सासू माँ को। और अच्छा भी लगा, जैसे मतलब सादा सिंपल सा हुआ फैमिली के साथ, अच्छा भी लगा। बट वही है ना, और सब लोग आए होते, बच्चे भी आए होते तो और भी अच्छा होता। तो बस सादा सिंपल से हुआ लेकिन बहुत अच्छा लगा, फैमिली के साथ तो अच्छा ही लगता है। तो इधर बस केक वगैरह हो गया था और इधर जो है मेरी सासू माँ पूड़ी तल रही हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो इतनी ही थी। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना मत भूलना। और मैं मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।